मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं जेपी यादव यूनिक कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के सूरदास के पदों की व्याख्या करवाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम तीसरे पद की अध्ययन करते हैं। तो उनका तीसरा पद है, किलकत कान घटुरवन आवत मनिमय कनक नंद के आगन बिम पकर वै धावत, कबहु निरख हरि आप छाको कर सो पकरन चाहत, अकिलक हसत राजत द्वैदत या पुन पुनति अवगाहत, अकनक भूम पर कर पक छाया यह उपमाय के राजत, अकरि करि प्रतिपद प्रतिमन वसदा कमल बैठे साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभ को दूध पिलावत, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभ को दूध पिलावत। तो आइए हम सबसे पहले इनका शब्दार्थ, संदर्भ पूर्वतः ही रहेगा, तो आइए हम शब्दार्थ पहले देखते हैं। किलकत, किलकत का अर्थ होता है कि किलकारी मारना, और घुटरवन का मतलब घुटनों के बल चलना, मन में मतलब मणियों से युक्त, कनक माने सोना, और बिंब माने होता है परछाई, और धावत का मतलब होता है दौड़ता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास ने बालक श्री कृष्ण का नंद बाबा के आंगन का सोने जैसे आंगन का वर्णन किए हैं। तो व्याख्या बहुत ही मर्मिक ढंग से किए हैं, तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते हुए चले आ रहे, सोने और मणियों से जड़े हुए नंद बाबा के आंगन में जब वे घुटनों के बल चलते हैं तब उनका प्रतिबिंब आंगन में दिखाई देता है, जिसे पकड़ने के लिए वे इधर उधर घुटनों के बल दौड़ते हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि कबह निरख हरियाप छह को करसो पकरन चाहत, अकिलक हसत राजत द्वैदतिया पुन पुन ती आगाहत। तो अब सूरदास जी कहते हैं कि कबह, कबह का मतलब होता है कभी, और निरख का मतलब होता है देखकर, अच्छा का अर्थ होता है परछाई, अकर का मतलब होता है हाथ, और राजत का अर्थ होता है सुंदर लगना, दो दतिया का मतलब होता है आगे के दो दांत, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दो आगे दांत जो दिखाई देते हैं, और तीव का मतलब अवगाहत का मतलब होता है पकड़ना। तो इसकी व्याख्या होगी कि कबहु निरख हर छव, तो इसमें देख जैसे जैसे श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं वैसे ही उनकी परछाई आगे बढ़ती है, और उसी परछाई को देख के श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और जब इस प्रयास में वे इधर उधर भागते हैं तथा किलकारी मारकर हंसते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, और जब हंसते हैं तो उनके जो आगे के जो दांत हैं वो तो और सुंदर लगते हैं। कनक भूमि करपक छाया यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसदा कमल बैठ साजत। तो कनक भूमि करपक छाया, कर माने करपग मतलब होता है हाथ पैर की छाया, और प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैर, और प्रतिमन का मतलब होता है प्रत्येक मणि, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, बैठकी का अर्थ होता है आसन, साजत का अर्थ होता है सजावट। तो सूरदास जी कहते हैं कि सोने से अर्थात नंद के सोने से बने हुए आंगन की भूमि पर बालक श्री कृष्ण के अति कोमल हाथ और पैरों की छाया पड़ती हुई देखकर मन में यह उपमा आती है कि जैसे पृथ्वी माता ने बालक श्री कृष्ण के कोमल कोमल ललिमा युक्त हाथ पैरों को चोट से बचाने के लिए प्रत्येक मणि में कमल के आसन बिछा दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक श्री कृष्ण का हाथ पैर कमल के समान कोमल है, तो नंद के आंगन के सोने जैसे आंगन में जो उसका प्रतिबिंब झलकता है
वह भी कमल के समान झलकता दिखाई देता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। तो बाल दशा सुख निरख, निरख का अर्थ होता है देखकर, अचरा तर्क मतलब आंचल के नीचे। तो बालकों को क्रीड़ा यानी खेलते हुए माताओं का सुख अनुभव करना अच्छा लगता है। जब बालक श्री कृष्ण इस बाल क्रीड़ा को देखकर माता यशोदा अत्यंत प्रसन्न का अनुभव करती है और नंद बाबा को भी इस सुख को दिखाने के लिए बार बार उन्हें बुलाते हैं। अतः मातृत्व सुख से भाव विभोर होकर सूर के स्वामी बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपने आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाने लगती है। तो इस प्रकार इस तीसरा पद का व्याख्या भगवान श्री कृष्ण का उनके आंगन में खेलने और उनके माता यशोदा का सुख का अनुभव किया गया है। अब आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। भाषा इनकी ब्रज है, रस वात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा कनक भूमि रूपक, छंद मुक्तक के पद है, गुण प्रसाद एवं माधुर गुड़े है।